दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपने पहली बार टैली सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी का डेटा तैयार किया है टैक्स ऑडिट पर्पस से, और आपने सारा काम कंप्लीट है जो टैली सॉफ्टवेयर में कर लिया है, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड तैयार किया है, तो टैली सॉफ्टवेयर का जो डाटा है उसको आप सीए के ऑफिस में भेजने की तैयारी कर रहे हो, तो सीए के ऑफिस में डाटा भेजने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आपका डाटा भी सेफ रहेगा और सीए के ऑफिस के अंदर जो डाटा है वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, जो फ्रेशर अकाउंटेंट है, जो पहली बार सीए को अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, भी उनका डाटा तो क्रैश हो ही रहा है, उनकी वजह से जो सीए के ऑफिस में ऑलरेडी जो किसी कंपनी का रिकॉर्ड आया हुआ है टेली सॉफ्टवेयर का, वो भी डाटा क्रैश हो रहा है। किस तरीके से क्रैश हो रहा है और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं, भी आपको सीए के ऑफिस में अगर आप टेली का डाटा सेंड कर रहे हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो जैसे उस कंपनी का एक कोड है जो हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का नाम है और उस कंपनी के आगे 1000006007, आपके पास 1001 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी कंपनी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कोड है जो जनरेट होता रहता है। और इसी कोड का जो हमारी ये लोकेशन होती है जहाँ पर हमारा डेटा सेव होता है, डेटा का जो हमारा फोल्डर बनता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, उस फोल्डर के अंदर इसी कोड के यहाँ पर फोल्डर भी क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब होता क्या है, अब मान लीजिए आपकी कंपनी है, हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आपकी कंपनी है, ये हम इस कंपनी का एग्जांपल हम लेते हैं एमएस एंटरप्राइजेस का, यानी कि आपकी कंपनी का नाम है एमएस एंटरप्राइजेस और आपकी कंपनी जब टेली सॉफ्टवेयर में आपने क्रिएट करी तो उसका कोड है जो 1006 बन गया। अब ये 1006 बनेगा कम अगर आपके ऑलरेडी 6 कंपनियाँ पहले से ही तैयार है, तो ये 6, 7, 8 यानी कि स्टार्टिंग जो होगा वो 1 से होना है। तो अब मान लीजिए आपके पास 6 नंबर डाटा है और आप क्या करोगे, जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर का डाटा सीए को सेंड करोगे तो आप अपने फोल्डर में जाओगे और यहाँ से 6 नंबर का जो है फोल्डर, जैसा कि ये इसका फोल्डर क्रिएट कर गया, यानी कि इस फोल्डर के अंदर उस कंपनी का रिकॉर्ड है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद क्या करोगे, या आप एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लोगे और उसके अंदर पेस्ट करके, या फिर डायरेक्टली आप सीधा उनको मेल कर दोगे। आपने मेल कर दिया, आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा दी, लेकिन अब इसमें क्या होगा, भी अब इसकी वजह से सीए के ऑफिस का नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान होने की वजह क्या हो सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी का कोड 6 नंबर बना, यानी कि 1006 बना, तो अब सीए के ऑफिस में आपके अलावा अदर कंपनी का डाटा भी पहुंचेगा, तो हो सकता है वहां पर उन कंपनी का रिकॉर्ड है, वहां पर भी उन कंपनी के अंदर भी 1006 के नाम से ही फोल्डर आया हो। तो अब उस सीए के ऑफिस के अंदर या तो आपने पहले रिकॉर्ड भेज दिया होगा, तो अब मान लीजिए आपके बाद किसी का डेटा आएगा तो हो सकता है उसका कोड भी 1006 हो सकता है, या आपके बाद में आएगा उसका 0006 हो सकता है। तो इसके अंदर नुकसान क्या होगा, जैसे भी आपकी इस कंपनी के अंदर 1006 का डाटा दोबारा पहुंचेगा सीए के ऑफिस के अंदर, तो वो क्या करेगा, पहले वाले 1006 का जो फोल्डर है उसको ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने का मतलब क्या हुआ, भी जो कंपनी ये 1006 पहले माले किसी एक्स वाई जेड पार्टी की आई वी ए सी ए के ऑफिस में और आपने एमएस एंटरप्राइजेस की भेज दी, तो उसकी कंपनी के जो अब आपकी कंपनी का डाटा अपडेट हो जाएगा, जो एक्स वाई जेड की कंपनी का जो डाटा है वो क्रैश हो जाएगा। तो यानी कि उसके ऊपर आपकी कंपनी का जो डाटा है वो ओवरराइट हो चुका है। अब मान लीजिए उस कंपनी की ऑडिट बकाया पड़ी है या कुछ उसके अंदर से अभी मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो वो डाटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं चलेगा क्योंकि वो डाटा क्रैश हो चुका है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपने कंपनी का कोड सेलेक्ट कर लिया जो भी आप ऑडिटर को भेजना चाहते हो, जैसे आपने कह दिया 1006, तो 1006 का आप फोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब उसके बाद में क्या करो, अब यहाँ पर इस जो 1006 है ना, आप इसको रीनेम कर दीजिए। यहाँ से रीनेम करने का मतलब क्या हो गया, भी जो आपका मोबाइल नंबर है ना, उस मोबाइल नंबर के लास्ट के जो 5 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर दो, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 8 2 0 5।
अब इससे होगा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा, डेटा आपका बिल्कुल सेफ है। अब इसकी वजह से क्या होगा भी, अब आपकी उस कंपनी के अंदर 1006 का डाटा पड़ा है ना, तो अब वहां पर अगर आपका ये जो आपने डेटा भेजा है इस फोल्डर के नाम से 82005 के नाम से, तो वहां पर वो पहले वाला डाटा वो भी बिल्कुल सेफ है, और आपने जो रिकॉर्ड भेजे वो भी बिल्कुल सेफ भेजे है। तो अभी वो डाटा, क्योंकि 82005 के नाम से वहां पर कोई फोल्डर है जो नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि आपने मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट है यहाँ पर टाइप कर देने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक बार अभी तो ये दिखाएगा 1006 का, लेकिन एक बार जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वहां पर अभी जो आप देख रहे हैं 1006 आ रहा था ना, वो यहाँ पर 82005 के नाम से यहाँ पर भी टैली सॉफ्टवेयर में शो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी वजह से एक तो डाटा आपका बिल्कुल सेफ हो गया, सीए के ऑफिस में भी डाटा कोई ओवरराइट होने का चांस नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहां पर एम्प्लॉय की वजह से या कोई जल्दबाजी की वजह से डाटा क्रैश हो रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, 30 सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट है, तो उसकी वजह से कुछ जल्दबाजी के अंदर हो जाता है, ध्यान नहीं दिया जा सकता। सेकंड बात, दूसरा, अगर आपकी कंपनी के ऊपर पासवर्ड अगर आपने लगा रखा है, तो जैसा कि यहां पे मैंने पासवर्ड लगाया और आपने सीधा डाटा पासवर्ड को बिना रीसेट किए सीधा भेज दिया, तो अब सीए के ऑफिस के अंदर डाटा जाएगा तो वहां पर भी ये यूजर आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहां से रिमूव करके भेजना है। मान लीजिए आपने लगा भी रखा है, तो आप इसको रिमूव किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा भी, जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा है उस पासवर्ड को आपको करना क्या, एक बार लगा के इस कंपनी को ओपन कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर, उसके बाद में कंपनी पे आपको जाना है, एल्टर पे आप आ जाओगे, और एल्टर पे आने के बाद के अंदर यहाँ पर जो आपने ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी वाला, इसको आपको नो कर देना है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से नो। तो जैसे हम इसको नो करेंगे ना, तो एक बार हमारे से ये वेरीफाई के लिए पासवर्ड जरूर पूछेगा, जो आपने करंट पासवर्ड लगा रखा है वो लगा के आप इसको ओके कर दे। अब इस कंपनी का जो डाटा जो रिकॉर्ड बना ना, जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट किया था इसका 82005, अब इसको आपको सेंड करना है। अब आपको सीधा सेंड नहीं करना, यहाँ से आपको सीधा कॉपी नहीं करना, आपको करना क्या होगा, इस फोल्डर को एक बार आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद में आप किसी दूसरे फोल्डर में आइए, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक डेटा के नाम से या किसी और के नाम से फोटो कर डाटा मतलब कंपनी ऑफ के नाम से फोल्डर बना के, और इस फोल्डर के अंदर आप पेस्ट करोगे, सीधा डायरेक्ट नहीं करोगे, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद में इस रिकॉर्ड को आपको डायरेक्टली सेंड नहीं करना है, इसकी आपको जिप फाइल भी साथ में सेंड करनी है। अब जिप फाइल करने का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए किसी कारणवश आपके सिस्टम के अंदर वायरस हो सकता है, तो अब वायरस मान लीजिए आपके सिस्टम के अंदर वायरस है, और जैसे ही ये डाटा आपका सीए के ऑफिस में पहुंचेगा और वहां पर इस डाटा को जब ओपन किया जाएगा, तो ये डाटा वहां पर क्रैश कर देगा, क्योंकि वहां पर ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर समझ के या इसको वायरस समझ के वहां पर जो एंटीवायरस लगा का वो इसको वहां से रिमूव कर देगा। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है, एक तो ये ओरिजिनल फाइल और दूसरा इसके साथ साथ इसके अंदर इसका जो जिप फोल्डर यहाँ पर बनता है, इसको ये जो जिप फोल्डर है इसको भी आपको साथ में भेजना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके अंदर डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर ये डाटा किसी कारणवश सीए के ऑफिस में जाने के बाद ये क्रैश हो भी जाता है, तो ये डाटा आपका फोल्डर ये काम आ जाएगा, क्योंकि मेल ज़्यादा होती है तो कई बार मेल डिलीट भी हो सकती है, तो ये फोल्डर जिप रहेगा, तो जिप के अंदर बारी बारी हम इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा भी, जो भी आपने इसके अलावा एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट वगैरह जो आपने बना के रखी हुई है, वो बैलेंस शीट वगैरह भी सारी की सारी आपको यहाँ पर साथ में अटैच करके फिर सेंड करना है डाटा। विशेषकर ये ध्यान रखना है भी, टैली का डाटा आपका बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के जाना चाहिए, और उसके बाद के अंदर फोल्डर को आपको जिप फोल्डर तैयार कर लेना है। और दूसरी बात, आपको डाटा को यहाँ से स्प्लिट करके नहीं सेंड करना है भी, कम से कम लास्ट 1 ईयर का डाटा आपका साथ में जाना जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपका डाटा जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस वहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें।